119तम जयंती कार्यक्रम सभापति डॉक्टर प्रदीप कुमार होता मुख्य अतिथि श्रीयुक्त सत्यनारायण साहू संबलपुर वस्त्रालय परिचालन निर्देशक श्रीयुक्त दशरथ नंद श्रीयुक्त संबित आचार्य श्रीयुक्त हेमंत कुमार मिश्र एवं ए मंच तले उपस्थित अछंती पद्मश्री कृतार्थ आचार्य सुजोग्या कन्या श्रीमती शांतिलता बाबू श्रीमती रुक्मिणी बाबू श्रीमती सुकांत पंडा एवं पूर्वतन मंत्री राज्यसभा सदस्य बाग्मी श्रीयुक्त प्रसन्न आचार्य भौणी भाई एवं बंधुगण पद्मश्री कृतार्थ आचार्य कार्यक्रम को आपण माने मते आमंत्रण करथवार मु प्रथमे आपण मानकु मोर कृतज्ञता जनाउछि। कौनसी विशिष्ट व्यक्ति स्मृति रक्षा बहु उपाय हो पारे ता भितर गोटे होउछि श्राद्ध एवं जयंती फोटो चित्र तले धूप दीप जाली एवं तांको फुलमाला देकरी तांको गुण कीर्तन करा जाय पारे तांको नाम रे कौनसी अनुष्ठान रास्ता मार्ग ये सब नामित करिकरी मध्य तांकर स्मृति रक्षा करा जाय पारे एवं से व्यक्ति जो आदर्श पई बंची थिले जो स्वप्न देखुथिले जो कार्य गुड़िक करुथिले जोठ सधा छाड़ी देकरी चली गले से कार्य को पूरण कर पारे से आदर्श को बंचे रखिबार एवं से स्वप्न को पूरण करिबा जरियार मध्य तांकर स्मृति रक्षा करा जाय पारे। उल्लेख करिबार द्विधा नहीं जे संबलपुर वस्त्रालय पद्मश्री कृतार्थ आचार्य स्मृति रक्षार तीनटि जाग मार्ग को आपणई से प्रथम तुम साधुवाद जनाऊँ। अनेक समय ये समाज विशिष्ट व्यक्ति मानक जो मैंने रक्तमांसर मनीष होकर बहुत भल कम कर आम तक देवता पर्यायर कहीकि निरापद दूरत्व को रखिदेव एवं तरह नई पार सीमाबद्धता को स्वाभाविक कह कि ग्रहण कर नौ जमी गांधी एवं गोपबंधु को जिते कथा पड़े तांको पुओ को छाड़ी से बनांचल को जाते गांधी जो भाई भाव जीवन जीते आम सब महापुरुष थे से महापुरुष थी काम करते आम जेहेतु महापुरुष नहुँ आम आम तेल लुणर संसार भितर रहा आम पदोन्नति बदली ताकूक रहा छोट छोट स्वाभाविकता भर रहा एवं से महापुरुष कह जिते जिते दूर को ठेली दबा आम से निरुपद्रव एवं आम निरापद रही पार किंतु एभली व्यक्ति मैंने कहीं आसी था एभली व्यक्ति मैंने आसी था साधारण मनुष्य भितर अयुत असाधारण संभावना को फलवती करने देखापी रक्तमांसर मनीष मैंने ही विशिष्ट कार्य विशिष्ट होती था प्रकृत में देवता मान चारि हाथ दस हाथ व अन्न्य कौन सी धरिकी धरावतरण कर प्रयोजन पड़े ना। सुधीवर्ग पद्मश्री कृतार्थ आचार्य जीवन एवं व्यक्तित्व संपर्क में बेस किसी बरगड़े कहवाक चाहूनी कारण मोर ज्ञान सीमित एवं आपण मैंने जन्मभूमि कर्मभूमि अच्छा पर पाने बही प्रकाश पाई मुवल मोर वक्तव्य को दृष्टि जो जो व्यक्तित्व कौन से कौन दिग को छुईवाक पड़ो मुझे कहबे मो प्रथम वक्तव्य हालुका करने मो कृतार्थ आचार्य सहित जिते मत गोटे तुलना करने दुस्साहस करुले से मोर मन पड़ा जे जमी असफल मनुष्य मैंने सबुठी अंधार देखती कष्ट देखती बाधा विघ्न देखती सफल लोक मैंने सबुठी आशा एवं संभावना देखती गोटे जहाज कंपानी निजुक्ति गोटे 17-18 वर्ष युवकटे जा तार साक्षात्कार नौचंति तीन जन विशिष्ट लोक एवं पचारुचंति तुम्हें जहाज नहीं कि समुद्र गला बेले जदि गोटे झड़ आसे तुम्हें कौन करिबो युवकटे उत्तर देइचंति मुटे लंगर पके देबी। द्वितीय व्यक्ति पचारुचंति एबे जो झड़ आसे बहुत बड़ा झड़ से तुमको
तुम जहाज को उड़े कि नहीं कड़े चल जाओ तुम कौन कर ना गोटे बड़ लंगर पकईदेवि। तृतीय व्यक्ति पचार कितु जो झड़ आसार महावात्या परीक्षा उन्नीस अनेशत विराट बड़ झड़ से जहाज को लेकिन पहाड़ पर पिटिकी चूर्ण विचूर्ण करदेव तुम्हें कौन कर पिलाटी अठर वर्षर से कौचि मो जहाज बड़ लंगर आ सबुठ बड़ लंगर पकईदेवि जहाज स्थिर हो रही। से परीक्षक मैंने पचारुमें से समुद्र भितर लंगर गुड़ा सब कौट पाच युवकट कह सार समुद्र भितर आपण एत बड़ झड़ तोफान सब कौट पाँच आपण जो आस मन भितर आप आशंका भितर मन भितर आप गोटे गोटे बड़ बड़ झड़ तोफान आशंका करुँचे मन भितर बड़ बड़ लंगर आशा देखुची संभावना देखुची कारण जो आशंका थाए से पाखापाखि कौन ना कौन संभावना थाए। पद्मश्री कृतार्थ आचार्य जीवन तर बही ओडिशार विद्यालय महाविद्यालय सिलेबस भाव पढ़ा जावा दरकार सिलेबस भाव पढ़ा हेले ही जाने जना पड़ जड़े व्यक्ति किभली जीवन सबू प्रतिकूल परिस्थित को जहाँ माँ बापा चली जाऊँगी शब दाहपाई काठर प्रयोजन पड़ी जो लोक मैंने आम समाज जिते जहाँ कहूना कहीं अभावी दरिद्र लोक किभली भाव देखे ये तो आपण मान समस्त किसी आम समस्त भुक्तभोगी ता भितर आसिक पहुँची पारे एवं लक्ष लक्ष दीप जलुवा गोटे संभावनार आलोक ओडिशार सामाजिक जीवन को आलोकित करगले ये किसी कम कथा नुह। बहु उच्च शिक्षित युवक से मैंने अभिमान कर समाज तक कि स्वीकृति दे पारा ना संजोग देखते ओडिशार मु तीन जन लोकंर ना कहवाक चाहूँ जो मैंने संजोग वशत तीन जन कई मैट्रिक पास करना किंतु से तीन जन ओडिशार परिचय निर्माण कर सत्यनारायण बाबू जानी जड़े हूँ केलुचरण महापात्र एकाधारे पद्मश्री पद्मभूषण और पद्मविभूषण केलुचरण महापात्र केमी पूरी पाख गोटी पुओ कार्य आसिक कला विकास केन्द्र पहुँचती पुणी केमी जा सान फ्रांसिस्को पहुँचती पृथ्वीर एभली कौन से बड़ मंच ना जो केलुचरण महापात्र छात्री संयुक्ता पाणीग्राही पादर बंधा होता घुंगुर तार से न्यायत न होती से निकुण झंकृत न होती ओडिशा को परिचय ओडिशी नृत्य को सारा पृथ्वीर प्रतिष्ठा। द्वितीय लोक हूँ विनोद कानुनग जो अपाठुआ लोकटे जीवन सारा जीवन लिखिं पाठ पछे पछे अपाठुआ विनोद कानुनग से मैट्रिक पास कर पार नथले किंतु से ही ओडिया जाति हाथ टेकी प्रथम ज्ञानमंडल जो गूगल नाला जो इंटरनेट नाला इमेल नाला ह्वाट्सअप नाला कौन से प्रकार नाला केवल खबर कागज काटी काटी रखी रखी आप जो मैंने बार बार स्टाडियम ज्ञानमंडल कार्यालय देखी देखिथे तो अनेक सीए पद्मश्री विनोद कानुन तागले ज्ञानमंडल और ओडिशा को नुआ परिचय देगले प्रथम एनसाइक्लोपीडिया कलेज एवं तृतीय होंगे आम पद्मश्री कृतार्थ आचार्य। से दिन केते दुख केते कष्ट केते संग्राम भितर मनीष एभली पृथ्वीर भारत वर्ष प्रधानमंत्री आरंभ करके दूरदर्शन संवाद पाठिका एवं बहु नर्तकी बहु एभली कई विशिष्ट लोक नहांती जो संबलपुरी लोगरे तांकर शौक मेटे ना सी देगले संबलपुरी वस्त्रालय को संबलपुरी वस्त्र को ओडिशा परिचय से मध्य मैट्रिक पास कर जदिव परवर्त समय विश्वविद्यालय डिलीट दे भारत महामहिम राष्ट्रपति पद्मश्री उपाधि अन्न्य बहु उपाधि आसी ये ओडिशार संजोग ओडिशार गौरव एवं ओडिशार शिक्षित माने जो माने बारंबार अभिमान करते जे आमको ये जाति चेरी पारा ना से जमी नम्र कोमल प्रतिवाद। पद्मश्री कृतार्थ आचार्य जीवन पढ़ला बेले गोटे कथा मु पढ़िली जो कथाटी मते खूब भाव स्पर्श कला प्राय छ मास तले भुवनेश्वर इंडियन एक्सप्रेस तरफ गोटे कार्यक्रम होता से कार्यक्रम होता जे कहीं ओडिशार लोक मैंने ओडिशा एवं पश्चिमबंग एवं आसाम ये तीन टा राज्य मुख्यतः कहीं बापा माँ परिवार
ଏବଂ ବାହା ଦେଉଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ପିଲାଟି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି କେଉଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତାହେଲେ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଶିଳ୍ପ କରିଛି ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗ ହେଇଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ତାର ଟିକେ ତଳେ ଆସିଗଲା ଏକଥା ପଞ୍ଜାବରେ ନାହିଁ ଏକଥା ଗୁଜୁରାଟରେ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁକୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏ ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡକରା ହେଇଥିଲା ସେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିଯା ପାଠ ପଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯା ଯେମିତି ଚାକିରି କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ମାପକାଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁ ଆଇଏଏସ୍ ବାଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ ସତେ କି ତାଙ୍କର ପାଠରେ ଅସଫଳତା ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କେବେ ଏକ ନମ୍ବରର ବିଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆହୁରି ଶହେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପରିକି କହିଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅଭିଶାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମାଟି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ପୌରୁଷ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତମ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି କିନ୍ତୁ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏ ସଫଳ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବିଦଗ୍ଧ ଆପଣ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜିର ସଭା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛଅଟା ବେଳେ ସମ୍ମାନବର୍ତ୍ତିତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଛପଟରେ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଆଧାର ଏପିସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଠୁ ପୃଥିବୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପଲ୍ କେନେଡ଼ିଙ୍କର ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର୍ସ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଷୋଳଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ସେ ଯାହା ବିରାଟ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକର କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଇଂରେଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ କୃଷକ ଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ କୃଷକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆୟତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ବଡ଼ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭାରତବର୍ଷର ଆୟତନ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମ୍ ଜେ ଆକବର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତା ଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯେତିକି ଦୂର ଲଣ୍ଡନରୁ କଲିକତା ସେତିକି ଦୂର ତାହେଲେ ଲଣ୍ଡନର ଲୋକମାନେ ଆସି କାହିଁକି କଲିକତା ଶାସନ କଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କଲିକତାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଆମର ଆୟତନ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏଭଳି ପରିକାହାଣୀ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପରେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁଠି କେବଳ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ଖଣି ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ପଲ୍ କେନେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପଲ୍ କେନେଡ଼ି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅର୍ଥନୀତି ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଜାହାଁପନାମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଆଜି ଦାଢ଼ିରେ କେଉଁ ଅତର ଲାଗିବ ସିଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଆଣିକି ଦେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୋବା ତୋବା ଏଠି କରାଗଲା ଏବଂ ପଲ୍ କେନେଡ଼ିର ମତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଗେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶବାଲା ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ
जहाँ कह कृतार्थ आचार्य जो क्षेत्र काम करते यूट संपद गला लांका सायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गढ़ी उठला ये आमर जो मैंने काम करती से आंगु काटि दिगला यू कपा जा कार्यक्रम है कौन प्रकार काम हो पारे चिरकाल दारिद्र्य मूलिया श्रमजीवी होकर रु सी गोटे आपण मैंने जो पढ़ी आपण मैं देखिए आप पढ़ले बहुत आपंकर दुख लगे कष्ट लगे प्रश्न उठे जो भारतवर्ष उपनिषद चिंताधारा दार्शनिक वसुधैव कुटुंबकम बहुत भल कथार नाभिकेन्द्र भाव में निज प्रतिष्ठा कर पार्ला जहाँ को ईश्वर प्रकृत में भौतिक संपद एवं सब प्रकार देते कहीं टपि पारा ना कहीं आज जदि आम देखा आमेरिका से कथा लिखिं पल केनेडी 1500 केत लिखिं कह न्यूयॉर्क शहर से गढ़ी उठे नहीं आमेरिका जमे स्वप्न ना जो लंडन जो इंग्लैंड बड़ होता आमेरिका उठला केमी यूरोप इंग्लैंड इंग्लैंड केमी प्रभुत्व कमिला से विषय लिखिंट कहीं आम से कथा करा ना भारत भौतिक अर्थनैतिक परिस्थिति सांग को भारत सामाजिक परिस्थिति आज कि भाव अच्छी से संपर्क आपण मैंने समस्त निश्चय चिंता करुवे किद ते गोटे खबर कागज छोट खबर टे बाहर आम भुवनेश्वर संपर्क खबर टाइम्स अफ इंडिया बाहर कारण कौन से गोटे बड़ जातिर लक्षण केवल तार सभा मंच जना पड़े ना तार साधारण लोक कि भाव चलुंट साधारण लोकों संपर्क कौन परस्पर सहित एपर चा दोकानी टैक्सी ड्राइवर बाहर स्थित पर्यटकों को कि प्रकार व्यवहार करती प्रतिफलित हे आमर जीवन संस्कृति जीवन मूल्यबोध भुवनेश्वर से खबर प्रकाश पाई या बाहर जन भद्रलोक आसु दुई तीन जन युवक पुलिस बेसर पोशाक पिंधिकी अटकेले विजु पट्टनायक छक पाखे अटके कहे बर्तमान चेकिंग चलती तुम जिनपत सुर दि पैसा पत्र ब्याग पत्र सब दि सब दि सब दि एवं आम जाऊ तुम आम पचे पचे पाख थाना को आस से पाख थाना गले पाख थाना को जा पहुँचला पर देखुं से लोक से पहुँची ना आम बुझीपु से बाहर आसी लोकटी भाव कि मर्माहत हो कौन हो आउ गोटे कहानी ये कथा आम खबरकज चाकर कला बेलू आम खबरकज दफ्तर जन भद्रल कम कर स्टेट बैंक डीजेएम थे से जापान पोस्टिंग होता से मत कहले मुझे मनीष जातिर कौन एक प्रकार अधोगति बर्तमान जे आसिक पहुँचु पहुँच ये प्रकार कथ क्या मनीष जातिर अधोगति है आमर अधोगति बोली आपड़ कहतु कहे मैं जापान चार वर्ष थी जापान जिनसटे हजे से लोकटी जी विचलित नुह जे पाई सी ताक फेरवापी ताधिक विचलित आपण मैंने जो मैंने आप बंधु मैंने थे संपर्क मैंने थे आप बुझीपारे सी कह मोर निजर अभिज्ञता कम कर स्टेट बैंक काम कर गोटे रेफ्रिजरेटर किणिली टी कौन खुड़खाड़ है भारतीय लोक एकुटिया जा पत्नी नहांती मुझू तक फोन कर रेफ्रिजरेटर टे खुड़खुड़ टे हो सीठ भद्रलोक से दुकानी कहले कह आप गोटे कम करूँ आप नहीं आसे आम फेरेदेबू से कह मु बैंक कम छाड़ी जापर मुमी फेरेबी आप साज्य कर गोटे कम करूँ तो आप से रेफ्रिजरेटर को आप घर सामने रखीदे रास्ता उपर आप बैंक को चली जातु आमर लोक जीव गाड़ी जाए नहीं आसो पुणी आप संज बेल थी पुणी नुआटा दे आसो से कहला आज्ञा मु रास्ता उपर रखीदे जी का किए कौन नहीं कह आपर कौन अच्छी ये आम दायित्व आम कहूँ आप रास्ता पर रखे जदि किए आम बुझू से भद्रलोक रास्ता पर घर बंद कर रास्ता पर रखिले बैंक आस भर तीन थर बुल चाहू था काले कौन हो रेफ्रिजरेटर किए नहींगला एवं से रेफ्रिजरेटर से ने संध्या बेले थिला बेले से पुणि थे आसिकी देगले एत दुख प्रकाश कले आपत हईराण कर कहते ना ये प्रश्न पचरा जाए मूल्यबोध गोटे जातिर गोटे देशर लोकंर मूल्यबोध गोटे लोकंर दृष्टिभंगी जीवनचर्या जहाँ आप कहतु ये संपर्क कौन जापान संपर्क मैं कह से कहते जापान दी दीटा विश्वजुद्ध देखापुर एत जिन देखी एत भंगुर एत अस्थायी एत क्षणिक एत अलिक ये सब मूल्यहीन ताभर ना कि आहरी गोटे कथा कहुई जोटा भारतवर्ष आगुरी थी से कौन से कहते जिते बड़े पर्यटन व्यक्ति आम समि को अधिक गुरुत्व नदवा व्यक्ति अनुष्ठान को अधिक गुरुत्व नदवा आम करपर्यंत संस्कार को आम स्कूल सिलेबस गुरुत्व नदवा आम गुरुत्व दे पारा ना एपीजे अब्दुल कलाम आसी कहते जड़े मनीष सारा जीवन काल भितर कौन हम तीन जन लोक स्थिर करती जड़े माँ जड़े बापा
आउ जन तंग प्राथमिक शिक्षक तमिलनाडु रो जन विख्यात कवि सुब्रमण्य भारती कर उदाहरण देकर से कहिथिले कहले प्रकृत शिक्षक सही जे कहे तुम पिलाटी को मते 6 वर्ष पर्यंत मो पाखरे छाड़ी दियो तापर तक एभरी गढ़ीबी सारा जीवन काल भितर देवता बा अपदेवता जी आसिले मध्य ता जीवन रे ताकू प्रभावित करि पारिबे नाही। आज भारत वर्ष रो कोनसी विद्यायतन शिक्षानुष्ठान शिक्षक ए दंभक्ति दाबी करि पारिबे ना संदेह एवं पिता एवं माता से माने गढ़ंती मनुष्य को से माने कहिसेंती भारत वर्ष रो कोन कोन आज समस्या आइछि। भारत वर्ष रो समस्या आइछि स्कूल गुड़िकार जो समस्या कथा कहला बापा माँ दायित्व से भावुँ आम पाई पिलाई समय दे पार तार क्षतिपूरण भाव बहुत टंका पैसा दु तीन टा प्लट चार पांचटा कोठा रखीदे तार जीवन खूब भल हम एकदम भूल कथा से कहते से आम गणमाध्यम को दोष दे आप गणमाध्यम आप कौन देखुं आप निर्दयता हिंसा रक्तपात नृशंस पड़वा ये कथा को आप देखुं आप राजनीति आप कौन देखुं आप व्यवसाय कौन देखुं कथा देकर कथा न रखाटा जमी चले कि बुद्धिमतार कथा कहले जो अनुष्ठान गुड़िक जो देशर अनुष्ठान गुड़िक प्रकार अधोगति आड़क जीव तार उपनिषदीय पृष्ठभूमि सत्वे तार दार्शनिक दृष्टिभूमि सत्वे से देश भौतिक विकास हो पारे। कृतार्थ आचार्य कौन मूल्यबोध कौन था हाड़ गुड़ कौ स्टिले या ना स्वाभिमान मैं ये काम करी ना जहाँ मत बेक अनुमोदन करनी मुझे जोता उठेबे ना आज प्रयोजन मुझे हरिजन घर को जी कहीं से समुदाय मनीष कूल समाज कूल से गोटे अंग रामकृष्ण परमहंस जहाँ कहते आम समस्ते गोटे चेतनार अंश विशेष जदि एकाठी न ना आम उपरको गढ़ी पारे उपरको जापर एवं मुझे अनुष्ठान गढ़ीजी जहाँ केवल मो पु मो पर नुह आज समय ना से सब विषय आलोचना करने आपने जानते किंतु आज ये चेतना आज ये जातीय चेतना आज समस्त धरी रखार आग को बढ़ चेतना मुझे ट्रस्ट विश्वास गढ़ा कथा एगुड़िक कहीं मुझे केवल से प्रश्न आपण सामने रखिदे जावाक चाहे। श्रोधिवर्ग जे गोटे समाज जितेबले पचे मछटे पचवा पी मुंड आड़ू पचे आज समाज जो माने आदर्श हवा कथा जो माने हमको बाट देखा कथा जो शिक्षक समुदाय जो शिल्पोद्योगी जो जननेता एवं जो माने पितामाता अभिभावक से माने तांको कथार विफल होती समस्ते सक्रेटरी सिंह गोटे कथा जानते सक्रेटरी सिंह केमी भाव मरवाक पड़ा से कथा मध्य जानते सक्रेटरी थे गोटे छक बुलूं गोटे पिलाटे सांगर देखाला सक्रेटरी से पचारे अच्छा ये खाया पे रुटी कौट मिल से कहे से जगार मिल खाया रुटी अच्छा ये पानी कौटी मिल पीवापाई से कहे से जगार मिल पानी सक्रेटिस्ट हसिले और कहे बाबू तू सब कथा जानचु भल लोक कौटी मिले सी टे थ ममला कहला भल लोक ये तो रुटी दुकान अच्छी पानी दुकान अच्छी भल लोक से कहे मुझे जाणी ना सक्रेटिस् कहे मुझे जाणी ना चल आम सांग खोजा सक्रेटिस् कथार ये वक्तव्य है आगे भल समाज नुह आगे भल मनीष मनीष जोटे भल हे जहाँ रामायण संपर्क कहुए जे भरत परीक्षा भाई आउ कौटि नहांती भाई चलीगले 14 वर्ष काल रखिले रखिकी आउ जे दार्शनिक आउ जे लेखक उत्तर देखते कहले ना जो बड़ भाई मैंने रामचंद्र परीक्षा हीजे से सान भाई मैंने भरत हाँ बाध्य है से कहे जो खेलु पिलादे जाणी जाणी रामचंद्र खेल हारूले कारण सान भाई मैं उत्साहित हूँ खेल मन लगे जो मैंने समाज उपर वर्गर अच्छा जो मैंने केन्द्र अच्छा व्यवसाय जो माने वाणिज्य आज कहारी उपरे आज भारत बर्षर जो गोटे संकट होवल हूँ गोटे विश्वास आस्थार संकट आसी कैलाश सत्यार्थी कहते कहले आम समस्ते डिजिटली कनेक्टेड कितु इमोशनाली डिसकनेक्टेड आज बैंक ग्राहक संपर्क ना पिता पत्नी पिता पुत्र संपर्क ना सब प्रकार गोटे संकट जदि गोटे समाजटे
ସୁସଂଗଠିତ ନ ହେବ, ସୁସମନ୍ୱିତ ନ ହେବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର କେମିତି ଆସିବେ, ଏଭଳି ଉଦାହରଣ କେମିତି ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛୁ, ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏଇମାନେ କେବଳ ସୃଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଜନ ପୁରୁଷ, ତା ନୁହେଁ। ନିଜେ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୃଜନ ସତ୍ତା ଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ 3-4 ଟିପିକି ଆଣିଥିଲି, ଅନୁରାଧା, ଚିତ୍ରକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତପଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଭାବ ଏବଂ ଆବେଗ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଇ ଚିତ୍ର ହେଇ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପାଏ, ତାହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ତାହିଁ ହେଉଛି କବିତା, ତାହିଁ ହେଉଛି ସୃଜନ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ସତ୍ତା ତାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ସଜେଇକି ଆଜି ଏଠି ଆମେ କରିଛୁ, ଯେ ଆଉ ସେହିଭଳି ମଣିଷ, ଆଉ ସେହିଭଳି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ସେହିଭଳି ବୟନଶିଳ୍ପୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ, ଏ କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ମୋର ସାରିବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଲେଖାର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନସିଲ୍ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପେନସିଲ୍ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଟଚ୍ ଫୋନ୍ରେ କେବଳ ଉପର ତଳେ ଏମିତି ବଟନ୍ଟା ଟିପି ପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍ୱାଇପ୍ ଏମିତି ନେସି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପେନସିଲ୍ଟାକୁ ବୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ପେନସିଲ୍ ବୁଲେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେ ସିତାର ବଜାଇ ପାରିବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ସର୍ଜରୀ କରିପାରିବ, ସେ ଦିନେ ଏଇଭଳି ତୋପ ଏଇଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧ କଳା ସେ ବୁଣିପାରିବ, ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ? ଅଥଚ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ବେଳେ ସେ ଭାରତବର୍ଷ, ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ କଥା ପଢ଼ୁଛି ଆପଣ, କାରଣ ପରମ୍ପରା ଯେ ସବୁବେଳେ ସିଡ଼ି ତା ନୁହେଁ, ପରମ୍ପରା ବେଳେବେଳେ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ବହୁତ ଅତୀତ କଥା କହି ଗର୍ବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭଲ କଥାଟି ଅଛି, ଆମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୟସରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ ବେଳେ ଏକଦମ ଗୋଲ ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲାଉଥିଲେ, କାରଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଇଏ ସହିତ ବକ୍ରରେଖା, ସରଳରେଖା, ବୃତ୍ତ, ଛନ୍ଦଣୀ ଇଏ ସବୁ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋହ ହେଇଛି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବା, ଏବଂ ଟଚ୍ ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ବୋଧେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ମୋର ସେତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ତା ଘର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ, ତା ଘର ପିଲାମାନେ ପିଲାଦିନୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟଚ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଏବଂ ସେହିପରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି, ଏକଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ସୀମାହୀନତା ଅଛି, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଧୀବର୍ଗ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଆମର ସଭାପତି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବଡ଼ ଆସନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଯେ କରିପାରୁନି, ଏକଥା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରେଟ୍ ପୃଥିବୀ ବିଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ଭାରତକୁ ତ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପୋତା ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦରବାରରେ 3-4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, ବହୁ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ 3 କଥା ଆପଣମାନେ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେତିକି ହୀରା ନୀଳା ଯେତିକି ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କର
मरीबा लोक को सभाधार नहीं कि गला बड़े खई कोड़ी बंचला भलिया आपन बिंची दे जबे रास्ता उपरे द्वितीय कथा होची कौन से माला भाई माने मोर सब को बही कर नहीं कि जबे नहीं मोर जो माने विशिष्ट फिजिशियन डाक्टर माने अछंती सर्जन से माने तांक भितर 4 जण बा 6 जण से माने बही नहीं कर जबे एवं तृतीय कथा होची मोर सभाधार को नहीं कर गला बड़े मोर दी हाथ को दी पटरे आप झूले देकर नहींक्र जी अति विश्वस्त युव सेनापति जन पचार यार अर्थ कौन कहीं कथ कौन से कहे मुझे ये वर्ष बचिले मुझे देख ली अनेक लोकों एवं धारणा अच्छी जो टा पैसा था मनुष्य अमर हो पारंता सब रोग को जीति जा पारंता एवं से दुसाध्य रोग को भल कहीपारंता क्योंकि सारा पृथ्वी देखू आलेक्जेंडर पाखे सिकंदर पाखे बहुत हीरा नीला मोती सब थे से गुड़ी कथा बंची पारे नहीं गोड़ी मटी पर कई बिंचीड हो जाती आलेक्जेंडर मरीगल अनेक लोक मत भावती बहुत बड़ डाक्तर पाक जाते हुए तो बंची जाते ये देखू मो पाखे सबुठ बड़ बड़ डाक्तर सर्जन जो मैंने से मैंने मत बंची पारे नहीं आज माल भाई भूमिकार होकर जा तृतीय कथा चीन अनेक राजा भावुले भारत में भी कई कई राजा भाविं पुराण से जे मलापर आम जहाँ कर सब नहीं चलीजु कितु से देखते आलेक्जेंडर तार सभाधार दीपटे दी हाथ को खाली खाली झूले कि नौ किसी नहीं जाए जहाँ को राधानाथ राय लिखी थे यही भाव में बोले प्राण गले पिंड छाड़ी नेब जेबे मते कोकेरे बाढ़ी दे तो मो शब सुई बेनी पासे बेनी कर को झुलाई जा देखी जगते जाणवे समस्ते आसी फेरी गली शून्य हस्ते तेणु केवल जश केवल जश ही रही जाए आ सब कथा यही भाव में हीरा नीला मोती माणिक भाया सब चली जाए प्रथम आरंभ करी सफल मनुष्य मान को आम असाधारण बा देवता बोली भाभी से भली हबार दायित्व आम ओहरी आसु आम से आम तर जीवन और साधना कर्मशैली और कर्म संस्कृति को असाधारण अनुशीलन करवा एवं कहीं पर पार बरगड़ समग्र ओडिशा रे आउ जने भी जदि केबे आज है भविष्य केबे जदि आसी परबे कृतार्थ आचार्य पर जने से ही जने मनुष्य से ही स्वाभिमानी संवेदनशील दक्ष जे जगत ना करे भावी से बहुत बड़ काम हो पारा सफल लोक मैंने परिवेश परिस्थिति को निंदा करते से अनुसार निज खाप खुआई चली जाती जो अडाप्टेबिलिटी थी जो असरपा भाया क्षुद्र प्राणी बंची डायनोसर भाया लोक पशु सी चलीगला आम सामाजिक व्यवस्था पाखे आत्मसमर्पण करदेवानी कारण स्वाभिमान ठूँ बड़ कथा आउ किछ नाही अन्न द्वारा प्रभावित हवानी आमर उत्कल परंपर आम तोप गीत आमर उत्कल लक्ष्मी बहुत कथा अच्छी जहाँ आमको नहीं पार एवं एगुड़क आम मूलोद भाव में ग्रहण करवा बंधुगण सभापति गोटे कथा कहते अभिराम विश्वाल आज लेखाटी कथा कहते आज आम कागज छपाई अभिराम विश्वाल गोटे कथा से अधा लिखिंट अधा छाड़ जाइए से कथा कह चाहिए रमादेवी आस बरगड़ कृतार्थ आचार्य को स्त्री आसी पहुँचर थी कारण आपण जानते खदीर हो पार नहीं मिल सूता को किभली व्यवहार करते न करते से विप्ल आनी न था से अडाप्टेबिलिटी न आता बहुत किसी असुविधा होता एत विपुल भाव में कारबार हो पार ना किंतु पत्नी से दिन जाइंट ये जो मिल शाढ़ी खंड को पिंधिक खदी शाढ़ी नुह गलापर कृतार्थ आचार्य अभिमानी बर कौन तुमको बहुत मोर जीवन व्यर्थ हो गला पत्नी बुझीपारे धर्ता केमी एत वर्ष पर व्यर्थ हो गला कमी बहुत से कहते तुम्हें खदी शाढ़ी पिंधि आसपारे से दिन सारा खिया पिया ना ये मुह पूर्व को सी पश्चिम को सही पत्नी जान ले बरकर कौन से हे तुम्हें तो मत दी खंड जमा शाढ़ी देच काली तो खदी पिंधे गाधोई आसे ओदा हो रही आई ओदा शाढ़ी को आ खंडे अच्छे नहीं कि आसली एक कौन कौच हठात हठात स्वामी कृतार्थ राग उपरे पानी पड़ जाइला बंधुगण से दिन निजर प्राणप्रिया पत्नी को साढ़े दी खंड अधिक दे पार कृतार्थ आचार्य साधना बल में आज चौठे ओडिशार भौणी मान को तौपी मान को लक्ष्मी मान को साड़ी पिंधे पार्टी ये कि गौरवर कथा नुह मु पुण थे स्वर्गत आत्म प्रति श्रद्धाजलि जनाऊँगी आउ थे आपण मत डाकि आपण बहुत बहुत कृतज्ञ जनाऊँगी धन्यवाद।